अस्सलाम वालेकुम, रमज़ान मुबारक। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज काफ़ी अरसे के बाद दोबारा व्लॉगिंग का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इंशाल्लाह आप डेली की बुनियाद पे या एक दिन छोड़ के दूसरे दिन वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। मैं आपको बताऊँगा कि दोबारा से व्लॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया, तो इसका मेन मकसद क्या था। और चूँकि आज पहला रोज़ है और सहरी के टाइम में वक्त बहुत ही कम, तो मेरा दिल है पहले मैं सहरी कर लूँ और सहरी के बाद फिर आपके साथ गपशप होती रहेगी। मैंने शॉपिंग के लिए भी जाना है क्योंकि मैं पाकिस्तान से कल ही वापस आया हूँ, तो आज शॉपिंग भी करनी है, अभी सहरी भी करनी है, तो बहुत से काम है। तो आपके साथ बात भी होती रहेगी और साथ साथ मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं सहरी कैसे कर रहा हूँ और शॉपिंग वगैरह। तो लेट्स डू इट। सो दिस इज माय किचन एंड नाउ आई एम गोइंग टू मेक सहरी। तो अभी मैं शॉपिंग के लिए जा रहा हूँ। तो अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बताता चलूँ कि मैंने दोबारा व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। तो मेरे जो वालदैन हैं जनाब, उनका बड़ा प्यार और बड़ी मोहब्बत से उन्होंने ये बात बोली जो मुझे टाली नहीं गई, तो उसी बात की वजह से मैं दोबारा व्लॉगिंग स्टार्ट की। अब मैं जब पाकिस्तान में था तो मेरे छोटे भाई ने कुछ यूट्यूब पे किसी के व्लॉगिंग वगैरह कोई चैनल था उसे सब्सक्राइब ऑलरेडी किया हुआ था, तो उसने वो जब ओपन किया वो व्लॉग शुरू हो गया, तो सारे हम सब फैमिली बैठे हुए थे, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम भी कुछ ऐसा करो ताकि हम भी तुम्हारी डेली रूटीन देख सकें। तो सिर्फ उसी वजह से लेके मैंने सोचा कि क्यों ना व्लॉगिंग दोबारा स्टार्ट की जाए, जिससे आपके साथ भी कनेक्ट रहेगा और मैं साथ साथ अपनी फैमिली को भी ये शो करता रहूँगा कि मैं क्या कर रहा हूँ सारा दिन, और इसी तरह एक अच्छी हंसी दिन की जो रूटीन है वो बन जाएगी। तो अभी तक मैंने एक पिज़्ज़ा लिया, ये पिज़्ज़ा, और उसके बाद टमाटर, प्याज, गार्लिक, लहसुन, अभी कोई थोड़ा सा फ्रूट लेंगे और ये रही जी शॉपिंग। मार्केट में काफ़ी रश था, ओवरऑल मैंने काफ़ी ज़्यादा सामान खरीदना था जैसे कि आप देख सकते हैं, तो उस वजह से मैं सारी शॉपिंग आपको नहीं दिखा सका। देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, बासमती राइस, मिल्क, एग्स, पिज्जा जो कि मैं ओवन में लगा के, बड़ा ओवन उसमें लगा के बनाऊंगा, वन मोर मिल्क, हैंड वॉश, हरी टिश्यू, स्ट्रॉबेरी, पाइन एप्पल, कीवी, बनानास, बटर, माँ जी के हाथ का दो माँ खा के हैं, वो भी घर का अपना बना हुआ बटर, लेकिन अभी मार्केट से लाना पड़ा। परदेश, लेमन, ऑरेंज, ऑनियन, गार्लिक एंड सम टोमेटोज,
powder and ginger. So this was my shopping, and now it's time to offer the prayer. मैं भी नमाज पढ़ूंगा, और नमाज पढ़ने के बाद फिर हम आस्ता आस्ता अफ्तारी की तैयारी करेंगे और घर में बात करेंगे। कहते हैं कि किसी भी काम में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी मौला मुत्तकियान अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान भी है। मौला फरमाते हैं कि जो जल्दी के काम है वो शैतानी काम है, तो लिहाजा जल्दी से थोड़ी परहेज़ कीजिए। अभी जैसा मेरे साथ हुआ, आप भी सोच रहे होंगे कि घर के किचन से डायरेक्ट ही रोड के ऊपर, तो मैं पहले गया था, काफ़ी सारी चीज़ें खरीदी, लेकिन मैं जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सहरी के दौरान, मैं वो भूल गया, यानी कि दही। तो अभी मैं दही लेने के लिए जा रहा हूँ दोबारा वापस मार्केट, और फ्रूट चाट के लिए क्रीम। तो लिहाजा जल्दी ना कीजिए, सबक सीखिए। तो ये फ्रूट चाट के लिए, और मतलब आज ही ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा सी, अभी ये तीन लिया, अभी और थोड़ी सी डालूंगा, फिर दही लेते हैं। चार क्रीमें और अभी दही, ये वाला दही सबसे अच्छा लगता है हमें। जनाब ये कॉन्टिनेंट वाला, इसके दो पैकेट लेते हैं और जाके फिर बिल करवाते हैं। शॉपिंग करके हम वापस आ चुके हैं घर में, अभी हंडिया की तैयारी हो रही है। ज़िंदगी के आप जिस मर्ज़ी मुकाम पे चले जाएं, ज़िंदगी के आप जिस मर्ज़ी लाइफ, अगर आप बचपन में हों, लड़कपन में हों, जवानी में हों, इवन कि आप बुढ़ापे में भी हों, तो आपके दोस्त अहबाब में एक ऐसा दोस्त ज़रूर होगा कि जो आपके साथ प्लान जब आप किसी चीज़ का बनाएंगे तो वो सबसे पहले काम करेगा, लेकिन जब मुकर्रर वक्त आएगा सबसे पहले वो पीछे हट जाएगा। तो खैर बाज़ अफराद उन्हें बड़े दिलचस्प नामों से पुकारते हैं, लेकिन हमें क्या, हमें इफ्तारी बनानी चाहिए। जी कुकिंग हो गई स्टार्ट, ये हमने मसाले अपने रख लिए, ऑयल, और इसको ठंड लगती है इसलिए, प्याज और इलेक्ट्रिक चूल्हा, इससे हमने ऑन कर लिया। ओके बिस्मिल्लाह, इधर हमारी हंडिया तैयार हो रही है, और चलें आपको बाहर के सीने में कुछ दिखाएं। तो बाहर कुछ ऐसे अभी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा अफ्तार हो गया जी। रोज़ा अफ्तार करने के बाद अब मैं नमाज़ पढ़ूंगा, और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना बनाएंगे, यानी कि रोटी बनाएंगे, और फिर आराम से खाएंगे। नमाज के बाद मिलते हैं। जी खाना हमारा तैयार हो गया, और रोटी भी बन गई, सालन भी आ गया। सालन वैसे आज मैंने बटर चिकन बनाया, सॉरी आपको दिखा नहीं सका कि कैसे मैंने सारा कुछ बनाया, लेकिन किसी दूसरी वीडियो में, किसी दूसरे व्लॉग में मैं आपको ज़रूर ये दिखाऊंगा।
तो अभी मैं खाना खाने लगा हूँ। कुछ दोस्तों को मैंने इनवाइट किया था आज इफ्तारी के लिए, लेकिन वो नहीं आ सके, बटर चिकन बना, उनका नुकसान। खैर आप ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इसी तरह मोहब्बत कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।